युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। रोजगार मेलों के जरिए कंपनियों को योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं तो बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी मिल रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMTU परिसर में 3 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार का बाहर लाने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग के लिए अडानी ग्रुप, L&T, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियों ने सहमति जताई है। खास बात यह है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए आएंगे। आत्मनिर्भर भारत व हर हाथ को काम के मंत्र को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 25 क्लस्टरों में प्रतिमा वृहद रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से ITI कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से गोरखपुर के MMTU में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्र में 8,000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सेवा योजित करने का लक्ष्य है। युवाओं का चयन करने के लिए बेंगलुरु, नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुणे, नोएडा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न शहरों की करीब 50 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त, ITI डिप्लोमा, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी तकनीकी व गैर तकनीकी पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। 3 अगस्त को MMTU गोरखपुर में आयोजित हो रहे वृहद रोजगार मेले में युवाओं का मार्गदर्शन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। उनके यहां 10 से 11 बजे तक आने की उम्मीद है। CM की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई पहल पर कई बड़ी कंपनियों की तरफ से रोजगार मेले में आने की सहमति व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 3 अगस्त को गोरखपुर को 125 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त नागपंचमी को गोरखपुर आएंगे व यहां आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में अलग अलग खिताब हासिल करने वाले पहलवानों को सम्मानित करेंगे। 3 अगस्त को MMTU में आयोजित वृहद रोजगार मेले में युवाओं का मार्गदर्शन करने के बाद दोपहर 12 बजे से नगर निगम गोरखपुर की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 86 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। इस दौरान वह नगर निगम की नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से यह दिव्यांगों को CM योगी आदित्यनाथ ट्राईसाइकिल का वितरण भी करेंगे। साथ ही CM के हाथों केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित होने का अवसर मिलेगा।